फिर से सलमान खान और संगीता बिजलानी होने वाले हैं। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी पर फिर से आया सलमान खान का दिल। दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, सालों पहले सलमान खान और संगीता बिजलानी की शादी होते होते रह गई थी, लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर से सलमान खान और संगीता बिजलानी प्यार करने लगे हैं। हालांकि काफी वक्त से सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर विदेशी ब्यूटी यूलिया वेंटोर का नाम सामने आता है, लेकिन सलमान अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसे लगता है कि सलमान खान फिर से अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के प्यार में पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती से कहीं ज्यादा लगने लगी है। जब से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से संगीता का तलाक हुआ है, तब से सलमान खान और संगीता की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। संगीता सलमान खान के हर फैमिली फंक्शन से लेकर पर्सनल पार्टीज में खास मेहमान होती हैं, लेकिन ये दोनों पब्लिकली एक दूसरे को सिर्फ क्लोज फ्रेंड बताते हैं। लेकिन जब से सलमान खान ने अपने जन्मदिन वाली रात संगीता बिजलानी को अपनी बाहों में पकड़ा, संगीता के माथे पे केयर की किस की और खुद संगीता की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन्हें कार में बिठाया और झुककर संगीता के गले लगे, इससे फैंस को साफ नजर आने लगा कि आज भी सलमान खान के दिल में संगीता के लिए कुछ कुछ होता है। आपको बता दें कि सालों पहले संगीता और सलमान की शादी के कार्ड छप चुके थे, मगर उसी दौरान इन दोनों के बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली आ गई, जिसकी वजह से सलमान सोमी अली से प्यार करने लगे और इस तरह संगीता और सलमान की शादी होने से पहले ही टूट गई। इस वाक्य के बाद संगीता ने मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी कर ली, तो वहीं सलमान खान का अफेयर ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ और यूलिया वेंटूर से हुआ। लेकिन जैसे ही संगीता का तलाक हुआ, फिर से सलमान खान और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और पार्टी में सलमान की क्लोज फ्रेंड के लिए ये सब करना कहीं न कहीं इशारा करने लग गया कि संगीता आज भी सलमान खान के लिए बेहद खास है। वैसे आपका इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिखने वाली घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स की कई इनसाइड स्टोरीज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और आप देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल आर आर सिनेप्लेक्स।